Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear class 2 student, today I have given you homework. See, English literature homework. English literature homework. See, I have written here English literature homework, page number 11, exercise 1, A to D, or exercise 2, A to E. आज हम आपको होमवर्क दिया है इंग्लिश लिटरेचर का, एक्सरसाइज वन का ए से डी तक, एक्सरसाइज टू का ए से ई तक। आज के आमी तोमादेर इंग्लिश लिटरेचर होमवर्क दिलाम पेज नम्बर इलेवेनर एक्सरसाइज वानर ए थेके डी पर्यंत और एक्सरसाइज टूएर ई थेके ए थेके ई पर्यंत। एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज ए देखो एटा लार्न इंग्लिश बोयर पेज नम्बर इलेवेन एखाने होच्छे एटा होच्छे एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन कि आछे Answer the following question. Who is Miss Gracie? Who is Miss Salu? How does Salu bring the water? Where was the handkerchief? আমরা এই গল্পটা আমি তোমাদের আগের দিনে হাম আপকো ইয়ে কাহানি পুরা সমঝা দিয়া থা আগে। In previous class, I have explained total entire story to you in your vernacular language also. So, who is Miss Gracie? Miss Gracie is यहाँ क्या देखिए Miss Gracie is on the dining table जो है Miss Gracie सालू का मैडम है, सालू का मालिक था। आपको ये देखिए ये सब क्वेश्चन का आंसर हम प्रैक्टिस सेट में दे चुके हैं। ये सब क्वेश्चन का आंसर हमें तुम्हारे प्रैक्टिस सेटे दिए दीची से प्रैक्टिस सेट थे के आगे एगुलो के मुखस्त करबे तारपरे लिखबे। पहला आप इसको याद करना, उसका बाद होमवर्क कॉपी में लिखना। और ये देखिए ये प्लेट, ये जो पिक्स आपका ये दिया हुआ है पिक्चर, पिक्चर देख के उसका नाम दिस थिंग यूज टू कैरी स्मॉल आइटम्स, ये जो चीज़ है ये छोटा छोटा चीज ले जाने के लिए कैरी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रे। आपको यहाँ ट्रे लिखना है। ये थिंग इज इन विच वी ईट, ए थिंग इन विच वी ईट, एटा एमन एकटा जिनिस जेटाते आमरा खाबार खाई। तो इसमें हम खाना, ये एक चीज़ है जिसमें हम खाना खाते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम प्लेट। ओके, ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू क्लीन नोज एंड माउथ, ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू क्लीन नोज एंड माउथ। ए स्क्वायर माने चौखा एक कपड़ा है जिससे हम मुंह और नाक साफ करते हैं, इसे क्या कहता है हैंडकरचीफ। এটা একটা চৌকো চারকোনা কাপড় যেটা দিয়ে মানে চতুর্ভুজের কাপড় যেটা দিয়ে আমরা আমাদের মুখ আর নাক পরিষ্কার করি, সেটাকে কি বলে এই এই কাপড়টাকে কি বলে হ্যাংকারচি মানে রুমাল, রুমালের ইংরেজি কি হ্যাংকারচি। এ পেয়ার অফ কভারিং দা ফর ইয়োর ফিট, এ পেয়ার অফ কভারিং ফর ইয়োর ফিট, এক দো এক পেয়ার মতলব দো হ্যায় দো কভারিং জৈসা হ্যায় জো হামারি পায়ের কো কভার করতা হ্যায় उसे हम क्या कहते हैं, ये पिक्चर है इसको हम बोलते हैं जूता मतलब शूज, एटा के हमरा जूतो बोली माने शूज, एखाने शूज लिखबो। इट थिंग्स यूज टू ड्रिंक वाटर, एटा एकटा जिनिस जेटा के हमरा पानी पान करार जन्य व्यवहार करी, ये एक चीज है जिसको हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उसका नाम है ग्लास, यहाँ ग्लास लिखना है। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन आंसर जो हम प्रैक्टिस सेट में दिया, इसको आप अच्छा से याद करना। हुई सालू, सालू इज मेड, मिस ग्रेस इज मेड, हाउ डज सालू ब्रिंग द वाटर, सालू ब्रिंग वाटर इन इन हर हैंड, वेयर वेयर वॉज द हैंडकरचीफ, द हैंडकरचीफ वॉज इन द ग्लास। ऐसा देखिएगा हम आंसर लिख के दिया, आप इसको अच्छा से याद करके होमवर्क कॉपी में लिखना। उसका संग ये वर्ड बैग है, पुलिस मतलब ए पर्सन हु बिहेव इन ए सिली वे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से याद करके आप होमवर्क कीजिएगा। तुम्हारा टाके भालो करे पढ़बे, भालो करे मुखस्त करबे, तारपर होमवर्क खाता लिखबे, एई गुलो थेकेई तुम्हारे परीक्षा आसबे इंशाल्लाह। जजाकल्लाहु खैर।